हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में दुनिया के सबसे अलग और सबसे गजब देश के बारे में बताने वाला हूँ। जी आप सही सुन रहे हैं, उस देश का नाम है जापान। जापान की टेक्नोलॉजी दुनिया की टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा आगे है, भले ही वो रोबोटिक रोबोट हो या फिर हवा में चलने वाली ट्रेन, यहाँ पर सब कुछ मुमकिन है। और ये सब चीज़ें जापान में इसलिए मुमकिन हो पाई हैं क्योंकि जापान के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, वरना पूरी दुनिया में जापान ही इकलौता सा देश है जिस पर परमाणु बम का हमला हुआ है, और वह हमला अमेरिका देश ने किया था। और पूरी दुनिया में जापान ही इकलौती ऐसी जगह है जिस पर सबसे पहले सूरज की रोशनी पड़ती है। और प्लीज़ इस वीडियो को फुल वॉच करें क्योंकि यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर आपको नॉलेजफुल एंड मोटिवेट्स वीडियो मिलती रहेंगी। फैक्ट नंबर वन, जापान के लोग अपने कामों में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि जापान के लोगों के पास सोने के लिए भी वक्त नहीं होता, इसलिए जापान के लोग जिस भी जगह पर काम करते हैं उस जगह उन्हें अलग से सोने के लिए समय दिया जाता है। फैक्ट नंबर टू, जहाँ भारत में काली बिल्ली को दुर्भाग्य माना जाता है वहीं जापान में काली बिल्ली को सौभाग्य माना जाता है, इसलिए जापान के लोग ज़्यादा से ज़्यादा काली बिल्ली को अपना पालतू जानवर बनाना पसंद करते हैं क्योंकि जापानी लोगों का मानना है कि काली बिल्ली उनके लिए सौभाग्य का काम करती है। फैक्ट नंबर थ्री, जापान में जो मोबाइल बनाए जाते हैं उन मोबाइलों से 90% मोबाइल वाटरप्रूफ होते हैं क्योंकि जापान के लोग नहाते वक्त भी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर फाइव, जापान के स्कूलों में 10 साल से कम उम्र के बच्चे एग्जाम नहीं दे सकते क्योंकि जापान के स्कूलों का मानना है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे जब एग्ज़ाम देंगे तो बच्चों के दिमाग पर बुरा असर पड़ेगा। वैसे ये रूल इंडिया में भी होना चाहिए। फैक्ट नंबर सिक्स, दुनिया में आया अब तक का सबसे खतरनाक भूकंप जापान देश में ही आया था और वह भूकंप इतना ज़्यादा खतरनाक था कि आप इस बात का अंदाज़ा इसी से ला सकते हैं कि उस भूकंप ने धरती के घूमने की गति को कम कर दिया था, यानी कि हमारी धरती का एक दिन 1.8 सेकंड बड़ा हो गया था। फैक्ट नंबर सेवन, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का देश जापान ही है क्योंकि जापान की साक्षरता दर 100% है, यानी कि जापान का एक भी इंसान अनपढ़ नहीं है जो कि दूसरे किसी भी देश की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। फैक्ट नंबर एट, जापान में अगर कोई इंसान ट्रेन के आगे अगर मर जाता है और आत्महत्या कर लेता है तो उस इंसान के रिश्तेदारों से जितने समय तक आत्महत्या की वजह से ट्रेन लेट हुई है उतना ही फाइन मांगा जाता है। फैक्ट नंबर नाइन, जापान में मछलियाँ खाने में इतनी ज़्यादा पसंद की जाती हैं कि आप इस बात का अंदाज़ा इसी से ला सकते हैं कि जापान चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा मछलियों का शिकार करता है, लेकिन इतनी ज़्यादा मछलियों का शिकार करने के बावजूद जापान 27% मछलियाँ और देशों से मंगवाता है। फैक्ट नंबर टेन, जापान में फोर नंबर इतना ज़्यादा अनलक्की माना जाता है कि जापान के किसी भी होटल में अगर 10 रूम्स हैं तो रूम नंबर वन, रूम नंबर टू, रूम नंबर थ्री, रूम नंबर फोर को छोड़कर रूम नंबर फाइव लिख दिया जाएगा क्योंकि जापान में फोर नंबर काफ़ी ज़्यादा अनलक्की माना जाता है। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि जापान के लोगों को मछलियाँ खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, तो उन्हीं में से एक मछली है फूगू फिश, इसे जापान के लोग खाने में काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन यह मछली खाने में जितनी ज़्यादा टेस्टी होती है उतनी ही ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि यह मछली काफ़ी ज़्यादा जहरीली होती है, लेकिन जो शेफ़ इस मछली को बनाता है उस शेफ़ को 7 से 11 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, यानी कि इस मछली को बनाने के लिए 7 से 11 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी आप इस मछली को बना सकते हैं। फैक्ट नंबर 12, पूरी दुनिया में जापान ही इकलौती ऐसी जगह है जिस जगह एक नेशनल हाईवे एक बिल्डिंग के बीच में से होकर निकल रहा है। अब आप लोग कहेंगे कि एक नेशनल हाईवे एक बिल्डिंग के बीच में से होकर क्यों निकल रहा है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो इस बिल्डिंग के मालिक हैं उन्हें इस बिल्डिंग से काफ़ी ज़्यादा लगाव है, इसलिए वह इंसान इस बिल्डिंग को जापान की सरकार को नहीं बेच सकते। इस बात को मानते हुए जापान की सरकार ने एक नेशनल हाईवे को इस बिल्डिंग के बीच में से ही निकाल दिया। फैक्ट नंबर 4, अगर आप जापान देश में कार खरीदना चाहते हैं तो आपको कार को खरीदने से पहले कार को रखने के लिए पार्किंग खरीदनी होगी, यानी कि आपके पास जापान में कार को रखने के लिए पार्किंग नहीं है तो आप कार नहीं खरीद सकते क्योंकि जापान में आप किसी भी कार को इधर उधर खड़ा नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 14, जापान पर मैकडॉन बहुत ज़्यादा मेहरबान है क्योंकि जापान के किसी भी गरीब इंसान के पास रहने के लिए घर नहीं है तो वह मैकडॉन के अंदर जाके रह सकता है क्योंकि जापान के मैकडॉन्स के अंदर कोई भी आदमी बिना रोक टोक के जा सकता है और घर नहीं है तो रह भी सकता है। वैसे ये रूल इंडिया में भी होना चाहिए। फैक्ट नंबर 15, जापान की ट्रेनों में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि आप इस बात का अंदाज़ा इसी से ला सकते हैं कि जब जापान की ट्रेनों के कंपार्टमेंट फुल हो जाते हैं तब भी बहुत से लोग जापान की ट्रेनों के बाहर खड़े रहते हैं। इस समस्या का हल निकालते हुए जापान की सरकार ने कुछ यूँ किया कि जापान की सरकार ने बहुत से लोगों को नौकरी पर रख लिया और उन लोगों का काम बस यह होता है कि जब ट्रेनों में ज़्यादा भीड़ होती है तब वे ट्रेनों के पैसेंजरों को धक्का मारकर ट्रेन के अंदर भेजते हैं और उन लोगों का नाम पुशर्स होता है, और जो लोग ट्रेनों के पैसेंजरों को धक्का मारकर ट्रेनों के अंदर भेजते हैं उन लोगों की महीने के तो
हज़ार रुपये होती है। और जापान की सरकार ने इन लोगों को नौकरियों पर इसलिए रखा है क्योंकि जापान के लोग एक भी सेकंड अपनी जगह पर पहुंचने पर लेट नहीं होना चाहते। फैक्ट नंबर 17, जापान के स्कूलों में जितनी भी गंदगी होती है, जैसे कि स्कूल का सफा करना, क्लासरूम्स का सफा करना, उस सारी गंदगी को स्कूल के बच्चे और क्लास टीचर्स मिलकर सफा करते हैं, क्योंकि जापान के स्कूलों का मानना है कि अगर वह बच्चों से साफ सफाई कराएंगे तो बच्चों के अंदर डिसिप्लिन बना रहेगा। फैक्ट नंबर 80, जापान में न्यू ईयर कुछ इस प्रकार बनाया जाता है कि जिस दिन न्यू ईयर होता है उसके एक दिन पहले ही जापान के सारे लोग मंदिरों में जाकर घंटियों को 108 बार बजाते हैं। फैक्ट नंबर 19, जापान में अपराध इतने ज़्यादा कम हैं कि आप इस बात का अंदाज़ा इससे ला सकते हैं कि जापान के 200,000 लोगों में से एक इंसान का मर्डर होता है। फैक्ट नंबर 20, जापान की कार्टून इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा बड़ी है कि मैं आपको इस बात का दावा दे सकता हूँ कि आप लोगों ने जापान के कार्टून ज़रूर देखे होंगे, बल्कि देखे ही नहीं होंगे, वह कार्टून आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। और जापान के कार्टून इंडिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। वैसे तो काफ़ी सारे जापान के कार्टून्स इंडिया में चलाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे मशहूर कार्टून्स हैं उनके मैं आपको नाम बता देता हूँ, जैसे कि पोकेमोन, शिनचैन, डोरेमोन। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, यह सब कार्टून्स जापान के ही हैं जो कि हिंदी में डब कर इंडिया में चलाए जा रहे हैं। फैक्ट नंबर 21, शायद आप लोगों ने नोटिस किया हो कि जापान के लोग बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, और मैं आपको वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि जापान के लोगों की उम्र इंडिया के लोगों की उम्र में बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या आप लोगों ने सोचा कि जापान के लोग इतने ज़्यादा पतले क्यों होते हैं और जापान के लोगों की उम्र इतनी ज़्यादा क्यों होती है? तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जापान के लोगों का जो खाना होता है वह बिल्कुल मसालेदार और बिल्कुल भी तेल का नहीं होता, इसलिए जापान के लोग पतले होते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जो इंडिया के घर होते हैं उन घरों में खाने में 1-2 डिश बनती हैं, लेकिन जापान के जो घर होते हैं उनमें खाने में 10-15 डिशेज बनती हैं, लेकिन तेल के खाने वो बिल्कुल भी नहीं खाते। फैक्ट नंबर 23, आपको मैं इस वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि जापान के लोग बहुत ज़्यादा पतले होते हैं और जापान के लोगों की उम्र भी बहुत ज़्यादा लंबी होती है, लेकिन मैं आपको यही बता देता हूँ कि जापान का सबसे मशहूर खेल है सुमो रेसलिंग, और सुमो रेसलिंग के जो खिलाड़ी होते हैं वह बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, लेकिन जापान में मोटा होना बैन है। अगर आप इससे ज़्यादा मोटे हो तो आपको टैक्स देना होगा। अब हमारी वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और आपको जापान में कौन सा फैक्ट पसंद आया कमेंट बॉक्स जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर आपको नॉलेजफुल एंड मोटिवेट्स वीडियो मिलती रहेंगी।